फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ते हैं। सी लिमिटेड हैड 3,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। द कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इट वॉज डिसाइडेड बाई द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 25,000 इक्विटी शेयर्स एंड 1,000 डिवेंचर्स। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड एंड द कंपनी हैड सफिशेंट प्रॉफिट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपनी हैड सफिशेंट प्रॉफिट। सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिस। तो हमारे को 3,000 शेयर्स रिडीम करने हैं, इनके लिए हम बुक्स की एंट्री करते हैं। चलिए, तो हमें जर्नल एंट्रीज डालनी है बुक्स में। जर्नल एंट्रीज बुक्स में करेंगे, एक एक स्टेप करते जाएं। सी हैड 3,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी हैड टू रिडीम, तो पहले इशू कर दें। इशू करने के लिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? 25,000 शेयर हैं 10 रुपए के, पार पे इशू किए हैं, तो ये हमारी 2.5 लाख की एंट्री इसी को। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं? 14% डिवेंचर्स। ₹1,00,000 का हमने डिवेंचर इशू कर दिया। अब तीसरी एंट्री, हम जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडेम्पशन ड्यू करेंगे। ₹30,000 शेयर हैं तो ये ₹3,00,000 हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ₹3,30,000। ये हमने पे कर दिया। अब बात आई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए कैसे होगा इसको समझ लीजिए। पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो ट्रांसफ़र कर दिए हमने। छठवीं एंट्री है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन क्या है? फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन है 3,00,000। फेस वैल्यू ऑफ इशू क्या है? 2.5 लाख। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होगा 50,000 का। एंट्री क्या पास होगी? ये 50,000 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा।
इसमें हमें ध्यान देने वाली बात कुछ है? यस, इश्यू ऑफ जो डिवेंचर है शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज इशू फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कहने का मतलब है कि जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो यहाँ से माइनस नहीं होता है, यहाँ से माइनस सिर्फ शेयर कैपिटल होती है। जैसा मैंने कंसेप्ट में पढ़ाया था कि जितनी शेयर कैपिटल हमारी कम हो रही है उतनी ही हमें सीआरआर बढ़ानी है। आई होप कंसेप्ट पॉइंट क्लियर हैं। थैंक यू।